सो वी जस्ट रीच्ड म्यूजियम ऑफ इल्यूजन. पहुँचते ही मेरा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में अगर आप उतर रहे हो दिल्ली में, तो वहाँ से बिल्कुल सामने निकलते ही म्यूजियम ऑफ इल्यूजन आपको दिख जाएगा. आई थिंक गेट एग्जिट नंबर 8 है. वहाँ जाके एक बार फिर से कंफर्म कर लेना. वहाँ पे जाके टिकट 600 to 750 के बीच में लगता है. वीकेंड और वीकडे में 100 रुपये का कुछ एक डिफरेंस पड़ता है. और ये हम घुस चुके हैं ऑलरेडी इल्यूजन म्यूजियम में. ये म्यूजियम 3 फेज में है और ये हम फर्स्ट फेज को एंजॉय कर रहे हैं. ये एक स्लांटिंग रूम है. इससे पहले आपने एक उल्टा ऑटो वाला रूम देखा था और बहुत मज़ा आने वाला है. लेट्स कीप ऑन वॉचिंग. सच में ऐसा लग रहा है ना कि गिर जाएंगे. हर रूम में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा. ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ लाइनिंग बनी हुई थी, सब इल्यूजन से रिलेटेड थे. कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने बचपन में अभी साइंस में पढ़ रहे होंगे या पढ़ रखी होगी और ये सब आपको याद आ जाएगा. थोड़ा सा इनडेप्थ था. हमने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दे गिव यू ओनली 1 आवर. यस 1 आवर टू कवर द होल म्यूज़ियम. ये जो चीज़ था ये बहुत इंटरेस्टिंग था. इसमें दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं मिरर के. मैं वीडियो नहीं बना पाई उस वक्त, फ़ोटोज़ ले रहे थे. और वहाँ पे जगह जगह रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि आपको प्रॉपर फोटोग्राफ्स क्लिक करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो ये मैं, पुशान और रुद्राक्ष, हम तीनों आपस में मिसमैच होके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे. और ये अब आपका काम है भाई, फिगर आउट कर लो. रूडू गांधी जी. सो अभी जो आपने गांधी जी की फ़ोटो देखी, हमें लगा ये जस्ट फॉर अ सेक ऑफ यू नो इट्स लुकिंग गुड, तो उसने उन्होंने बनाया. बट इसकी मिस्ट्री हमें बाद में रिप्रेजेंटेटिव ने बताया. जो हम व्हील को देख रहे हैं ना, उसको 2 मिनट तक आप देखते रहो उस व्हील को, और 2 मिनट के बाद जैसे ही आप यू टर्न अराउंड, और गांधी जी का फेस ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने बिल्कुल मुँह के ना पास आ गया है. सो इट्स द ब्यूटी ऑफ द. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी साइंस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि आप लोग डेली डे टू डे लाइफ में या बुक्स में पढ़ते हो, बट सामने देख के तो सच में मज़ा आ जाता है. उसको टच करके, उसको उसके बारे में जान के, द मोर यू प्ले विद इट द मोर यू इन्जॉय. सो दिस इज़ अ रूम जो कि गोल गोल घूम रहा था. पहले मुझे नॉर्मल लगा दैट, बट मोमेंट यू स्पेंड 1 to 2 minutes इन द रूम, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप इसके साथ गोल गोल घूम रहे हो. इट इज़ सो अनमैनेजेबल एट दैट टाइम. ऐसा लगता है आप गिर जाओगे. ओ यार, ओए रुडू रुडू रुडू. सो इन द सेकेंड फेज देयर वर मेनी गेम्स. देयर वर सर्टेन सेक्शंस जहाँ पे जाके आप फोटोज़ खिंचवा रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो. जैसे कि इसके अंदर से, होल के अंदर से जाओ और आपका मुँह एक प्लेटर में सर्व हो जाता है. फिर कहीं पे जाओ तो आप डबल हिस्सों में दिखाई देते हो. प्लस देयर वर मेनी अदर गेम्स. मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, बट वी इन्जॉयड इट अ लॉट. जहाँ जहाँ मैं फोटोज़ क्लिक कर पाई, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू. जा तू ये ढोक तो प्लेटर मुद्दे. रुडू यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, देख. ओ माय गॉड, हाँ यही तो इन्फिनाइट होता है. यार ये सेम ही है, उधर से स्क्वायर दिख रहा था, इधर से ट्रायंगल दिख रहा है, वही चीज है क्या? दिस इज़ द बिल्डिंग इल्यूजन. ये बहुत फेमस है क्योंकि जितने लोग इस म्यूजियम में जाते हैं वो यहाँ पे ज़रूर अपने आप को क्लिक करवाते हैं. इसमें बहुत अच्छा सेटअप है जहाँ पे आप सोते हो और दूसरा इंसान दूसरी तरफ खड़ा रहता है. इट मेक्स, इट गिव्स यू एन इम्प्रेशन जैसे कि सामने वाला इंसान बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिर रहा है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो. जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, मैंने और कुशान ने मिलकर रुद्राक्ष को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिरने से बचा लिया है. आज मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ का दर्दान तुझे ऐसा. सो
फाइनली थर्ड फेज में इसके अलावा भी बहुत कुछ था, वो कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट में बाय बाय छोटा सा सेक्शन आता है जिसमें इन्होंने अलग अलग तरह के गेम्स रखे हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच प्ले एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन बाय इट। इन सब के प्राइस वर समवेयर अराउंड 600 एंड अबव एंड बहुत तरह तरह के गेम्स थे, हर एज ग्रुप के लिए गेम्स थे। सो हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिया बट वी एंजॉयड वॉचिंग देम अ लॉट। सही है यार, अब हम इल्यूजन म्यूजियम से निकलने जा रहे हैं। बाय बाय म्यूजियम ऑफ इल्यूजन फाइंडिंग खान चाचा इन सिटी, क्योंकि हमने बहुत सुना है उसके बारे में एंड वी आर स्टिल फाइंडिंग। मी पुशान एंड रुद्राक्ष। सो इसी के साथ हमारा म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का टूर खत्म होता है। अब वहाँ से हम बाहर आ चुके हैं और हम कनॉट प्लेस में ढूंढ रहे हैं खान चाचा को। ये कि एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और हमें लग गई है बहुत तेज भूख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।